करण सर को डांस बिल्कुल भी नहीं आता, तो करण सर को टिप्पणी करनी है तो अपनी चीजों पे करे। करण सर क्या धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म देने वाले हैं, उस 3 मिनट के एक्ट के लिए आप ऑस्कर अवार्ड देने वाले हो, आप नेशनल अवार्ड देने वाले हो, बताइए। आप हिंदी चैनल के पैनल पे बैठे हो नौरा, थोड़ा आप भी हिंदी सीख के आओ तो अच्छा होगा। झलक दिखला जा 10 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई शिल्पा शिंदे भले ही इस शो से पहले ही इवेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब एक्ट्रेस जजेस पर दिए गए अपने बयानों को लेकर अचानक से सुर्खियों में आ चुकी है। जी हां, शिल्पा ने झलक के तीनों जजेस पर गुस्सा जाहिर किया है। वहीं करण जौहर जो कि शो के जजेस में से ही एक है, उन पर तो जमकर भड़ास निकाली है, जिससे लोग भी हैरान हो चुके हैं। दरअसल शिल्पा ने जजेस पर गुस्सा शो में कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस को हल्के में लेने और उन पर कमेंट्स करने पर जाहिर किया है। हाल ही में एक्ट्रेस निया शर्मा ने मां काली के कॉन्सेप्ट को लेते हुए परफॉर्मेंस दी, जो जनता को तो काफी पसंद आई, लेकिन जजेस ने इस परफॉर्मेंस पर जो स्कोर दिए और कमेंट्स दिए वो शिल्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इसके बाद शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 वीडियोस को शेयर किया, जिसमें उन्होंने तीनों ही जजेस पर सवाल किए, खासतौर से करण पर। ये वीडियो खास मेरा झलक दिखला जा के पैनल पे बैठे हुए जजेस के लिए है। मैंने निया का लास्ट परफॉर्मेंस देखा, उसके ऊपर जो पॉइंट्स दिए और कमेंट्स किए, मैं चुप रही। इस बार जो हुआ परफॉर्मेंस के बाद जो कमेंट्स किए गए, मुझे पूछना है कि करण सर क्या धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म देने वाले हैं, या 3 मिनट के एक्ट में आपको डांस नहीं दिखा आप कहते हो, आपको अलग चीज भी चाहिए, एंटरटेनमेंट का शो है, आप सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स लेते हो, आपको क्या चाहिए, आप ऑस्कर अवार्ड देने वाले हो, आप नेशनल अवार्ड देने वाले हो, बताइए। शिल्पा सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया। अपने दूसरे वीडियो में शिल्पा ने ये तक कहा, झलक दिखला जा शो के मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे शो बहुत पसंद है, मैं अभी भी शो को फॉलो करती हूँ, सबको पसंद करती हूँ। मेरी ये जजेस के लिए वही कहा वीडियो है कि करण सर को डांस बिल्कुल भी नहीं आता, तो करण सर को टिप्पणी करनी है तो अपनी चीजों पे करे। उसका कॉस्ट्यूम देखे, डांस के हिसाब से कॉस्ट्यूम नहीं है तो उसके ऊपर रिएक्ट करे। आप उसका मेकअप देखो, कॉस्ट्यूम देखो, सेटअप देखो, इतनी सब कुछ चीजें थी। आप करण सर, आप डांस के ऊपर कैसे बोल सकते हो? माधुरी जी को पूरा हक है डांस के ऊपर बोलने का, लेकिन जहां आप इमोशनल हो जाती है निया, वहां आप थोड़ा गड़बड़ कर देती है। आप एक आर्टिस्ट हो, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकती, और आप हिंदी चैनल के पैनल पे बैठे हो नौरा, थोड़ा आप भी हिंदी सीख के आओ तो अच्छा होगा। सिर्फ डांस नहीं होता, इट्स अ सेलिब्रिटी यू नो कंटेस्टेंट, आर्टिस्ट है हम, आर्टिस्ट में बहुत आर्ट, डांस एक आर्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। पूरे 3 दिन भी कभी कभी मिलते नहीं है इस एक्ट के लिए, और कंपटीशन में अच्छे अच्छे डांसर्स भी है, अच्छा है, हम लोग भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आप हमको उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप जिनको डांस नहीं आता उनको अप्रिशिएट करो, जबकि आप इस तरह के कमेंट्स करके, वही कहा कि बहुत सारी चीजें होती है, हम लोग यहाँ से कोई कोरियोग्राफर बन के नहीं निकलने वाले या डांसर का किताब नहीं मिलने वाला है। वेल, शिल्पा शिंदे कई बार अपने स्टेटमेंट्स को लेकर सुर्खियों में खूब रह चुकी है, लेकिन भाई जिस तरह से झलक के जजेस पर शिल्पा ने सवाल उठाते हुए ये वीडियो ही पोस्ट कर डाले हैं, उसके बाद लोग भी ज्यादातर शिल्पा को ही सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी बातों को सही करार दे रहे हैं। जी हाँ, शिल्पा के इन वीडियोस पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं और शिल्पा की बातों को सही बता रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या शिल्पा के इन बयान पर शो के तीनों जजेस कुछ रिएक्ट करते भी हैं या फिर नहीं।